क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द मोर अबाउट नंबर्स। आज हम सीखेंगे कि नंबर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू आर नोन एज इवन नंबर्स। कि जिन नंबर्स को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। ओके, सो वी ऑल्सो कैन से इफ नंबर के लिए एनओ के बाद अगर डॉट दे दे तो चलेगा। एनओ डॉट मीन्स होता है नंबर, नंबर की पूरी स्पेलिंग लिख ना लिख के मैं शॉर्टकट लिख रही हूं। इफ नंबर हैव 0, 2, 4 और 8 एट यूनिट प्लेस देन इट विल बी, देन क्या होगा वो, देन इट विल बी इवन इवन नंबर। वो क्या होगा, इवन नंबर। अभी एग्जांपल बता सकते हो इवन नंबर का? यस मैम। एग्जांपल बताओ। 0, 2, 4, 6 और 8। हाँ, वो क्या है, वो तो बेसिक है। कोई भी नंबर बताओ। देखो अभी नंबर बता रहे हैं हम, 0 200। ठीक है 200 लेते हैं। चलो विधि ने बता दिया विधि का नंबर, अभी संस्कृति बताएगी संस्कृति का नंबर। बताओ संस्कृति फर्स्ट। 300। वाह वाह वाह। आप बताओ 435। ये इवन है, कैसे होगा वो इवन। मैंने क्या कहा है कि अगर यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस पे या तो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए, या फिर 4 चाहिए, या फिर 6 चाहिए, या फिर 8 तो भी चाहिए। अगर इन नंबर्स में से कोई नंबर हो तो वो इवन नंबर होगा। अगर आपने 5 लिया है तो वो तो ऑड नंबर हो गया, है ना। इसको हम, इसके पीछे 5 आया है वो तो 5 क्या है, ऑड नंबर है। और जो वो जिस भी नंबर के पीछे लगेगा उस नंबर को क्या कर देगा, ऑड कर देगा। ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। तनिष्क बताओ। 532। ये हो गया इवन नंबर। ओके, चलो मैं एक नंबर देती हूँ, आप बताओ वो इवन है कि ऑड है। 434। अभी ये इवन है? यस इट इज इवन। आई विल गिव यू द नंबर, सपोज ये नंबर इवन है कि ऑड है, बताओ। इवन है। अभी समझ में आया, कितना भी बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर दे दिया आपको, भी प्लस पे यूनिट प्लेस चेक करनी, लास्ट में देखना है कि जीरो, हाँ, जीरो टू फोर सिक्स एंड एट, जीरो टू फोर सिक्स एंड एट, इनमें से अगर कोई नंबर है तो फिर क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। समझे, अभी इवन नंबर पक्का समझ में आया। चलो अभी लेते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर नोन एज ऑड नंबर्स। अरे जिन नंबर्स को हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते, जिन नंबर्स को हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते वो नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, जिसका रिमाइंडर वन, ऐसे कुछ तो भी आएगा जिसको हम टोटली डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स। या फिर सिंपल डेफिनेशन हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि 1, 3, 5, 7 and 9। इफ द नंबर हैव 1, 3, 5, 7 and 7 or 9, 7 or 9,
at unique place. Then it is odd number. Then it is odd number. It is odd number. Okay. समझ में आए? Yes. Yes. तो फिर अभी odd number के example बता सकते हो? Example odd number. क्या होंगे एग्जाम्पल? 221. यस वेरी गुड. 221 मींस इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? वन. कितना भी बड़ा नंबर लैक्स में बना सकते हो, सिर्फ क्या चाहिए उसकी यूनिट प्लेस में ये नंबर चाहिए. 539. वेरी गुड. चलो संस्कृति बताओ. 303. यस चलो बताओ आगे. 345. ये नंबर बड़ा प्यारा है, पहले भी यही बताया था आपने. यस इट वाज दैट दैट ओनली. ये फाइव बहुत अच्छा लगता है अर्पित को, है ना. चलो 345. चलो ये नंबर्स ऑड नंबर्स है, पक्का समझ में आया. चलो बताओ ये नंबर ऑड नंबर है क्या? ये नंबर ऑड नंबर है. यूनिट प्लेस इज 7. यस इट्स यूनिट प्लेस इज 7 मींस. चलो अभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये समझ में आया आपको? इवन नंबर ऑड नंबर दोनों? यस यस पक्का. ओके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स इफ अ नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ देन इट इज अ प्राइम नंबर. अगर नंबर उसी से और 1 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा. मींस वो नंबर कैसे अकेला रहना पसंद करता है, अकेला ही घूमेगा, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो किसके टेबल में नहीं आता. ये जो होते हैं प्राइम नंबर्स ये अकेले होते हैं, किसी के साथ में अच्छा नहीं लगता उनको, वो किसी के ना टेबल में मीन्स बर्थडे में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं लोग, तो ये नहीं, ऐसे नहीं किसी के टेबल में नहीं जाता वो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है. जैसे कि 13, 7 है ना, ये आते हैं कि किसी के टेबल में, उसी के टेबल में आएगा, किसी और के टेबल में नहीं घुसता वो, नहीं जाना पसंद ही नहीं उसको. प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? 7. जो खुद के टेबल में आएंगे. इट विल बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1. चलो देखते हैं अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं प्राइम नंबर्स के. ओके सो कौन से नंबर है, सोचो कौन से नंबर है ऐसे जो खुद के ही टेबल में आएंगे, दूसरे के टेबल में नहीं आते. 1 से स्टार्टिंग करनी है आपको. 7. ठीक है 7 बताते हैं. और 1 इज द प्राइम नंबर. ठीक है 1 सोचो ना. टू ज्यादा है कि किसी के नंबर नहीं के टेबल टू. में टू 1 2 इतना इजी था. 3 आता है कि किसी के टेबल में नहीं. फिर 4 आता है, 2 के टेबल में आता है. 4 नहीं हो सकता. 5 7 लिखा हमने. 6 हो सकता है क्या? नहीं 6 आता है टेबल में. 6 आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में. और 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है. 11 वो खुद के टेबल में आता है. 11 हम सही आज वो बाकी टेबल में आता है. बाकी टेबल्स में नहीं आता 11. और 20 13 आता ही नहीं, वो अकेला रहना पसंद करता है.
फोर्टीन। फिफ्टीन कैसे होगा, थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है, फाइव के टेबल में फिफ्टीन आता है, फोर्टीन हो सकता है क्या? नाइनटीन हो सकता है। चलो सीक्वेंस वाइज जाते हैं ना, फोर्टीन पे हो, फोर्टीन को ले लो, बीच के नंबर भूल जाएंगे हम फिर, है ना। चलो फोर्टीन आता है क्या, चलो फोर्टीन हो सकता है क्या प्राइम नंबर, हो सकता है फोर्टीन प्राइम नंबर, क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं मानती, हो सकता है। यस मैम, सीरियसली आई विल बीट यू ओनली। तो फोर्टीन इज कमिंग इन सेवन स्टेबल, टू स्टेबल, फोर्टीन इज कमिंग। हाँ फोर्टीन नहीं हो सकता, फिफ्टीन भी नहीं हो सकता, सिक्सटीन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सेवनटीन हो सकता है? यस 17 हो सकता है। 17 किसी के टेबल में नहीं जाता, बर्थडे में जाना पसंद नहीं उसको, लोग अच्छे नहीं लगते उसे, अकेला रहता बेचारा। ओके 17, और 17 के बाद ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं ये। ओके ये लिस्ट बहुत लंबी है, हमारा बोर्ड पूरा भर जाएगा। ओके ये एंड सो ऑन, आप ढूंढ के लाओगे थ्री फोर नंबर इसके आगे वाले, लाओगे प्राइम नंबर्स, सोचना ही तो है कौन सा होगा जो किसी के टेबल पे नहीं जाता। मैम 18 is there, 18 नहीं, 18 घुसता है ना 9 के टेबल में, 9 घुसता है वो, फिर कैसे होगा 18? 19 यस, और 21 7 के टेबल में कौन आता है क्या? हाँ ऐसे अभी समझ में आया क्या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आएंगे और वन के टेबल में आएंगे, मींस लेकिन ऐसा जो किसी के टेबल में ना आए, समझे? रॉन्ग नहीं लिखना है, इसलिए पहले छोटे से 200 का टेबल होता है। 200 का टेबल क्यों नहीं होता, हम बना सकते हैं ना, उनका टेबल आता है तो 2 0 लिख दो बस, हो गया 200 का टेबल, 1 1 0 लिख लो, हाँ बस हो गया 200 का टेबल। क्या है 20 का बनाओ तो 1 1 0, 200 का चाहिए तो 2 0, 2000 का चाहिए तो 3 0 लिखो, 0 है ना। अभी देखो कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? The numbers, the natural numbers which have more than two factors are called composite numbers. Composite number क्या होते हैं? जो number दूसरे के table में आएंगे ऐसे होते हैं, means वो number को factors होते हैं more than two factors. इसको कितने factors होंगे prime numbers को? सिर्फ दो factors होंगे prime number को, या तो one या तो वो number, the number itself factor.